छपरा के एक निजी क्लिनिक में एक महिला की प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर लगाया लापरवाही का आरोप, जमकर किया हंगामा। परिजनों ने बताया सदर अस्पताल में मौजूद दलालों ने धोखे से कमीशन के चक्कर में ले गए थे निजी अस्पताल जहां हुआ हादसा। जिले भर में सैकड़ों की संख्या में चलते हैं ऐसे अवैध नर्सिंग होम। छपरा शहर के दरोगा राय चौक पर एक निजी क्लिनिक रेणुका पॉलिक हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा की प्रसव के दौरान मौत हो गई। मृतिका के पति सतीश प्रसाद गुप्ता ने बताया पहले वो सदर अस्पताल में अपनी पत्नी को एडमिट करवाए बच्चा डिलीवरी के लिए। वहां से उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर निकलते एक दलाल द्वारा उनको एक निजी क्लिनिक में चला गया। बोला गया सस्ते में नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। निजी क्लिनिक में जाने के बाद बच्चा जन्म होते ही मृत्यु हो गई। 15 से 20 मिनट के अंतराल में उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। अस्पताल में लेकर थे हम, यहाँ सदर हॉस्पिटल में लेकर गए थे। चलिए फिर उसके बाद वहाँ से दलाल बैठा गया, वो बोला चलो 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 हम तुरंत लेकर चला, थोड़ा जल्दी उठा लिया और मोबाइल नंबर दिया। रेणुका बोला रेणुका पालिका में चलो तुरंत तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हुआ कि बोला कि नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। डिलीवरी होने के बाद उसके बाद करा कि नहीं नहीं यहाँ पर ऑपरेशन होकर होगा। पहले बोला कि हाई दवाई लेकर आओ, हम गए दवाई के लिए तो वहाँ सदर हॉस्पिटल से दवा लिए और दवा लेकर आ रहे हैं। पहले देख रहे हैं कि ऐसे करके बेहोश कर दिया है, उसके बाद ऑपरेशन ऑपरेशन का दवा कर दिया, उसके बाद पानी चढ़ाने लगा। पानी चढ़ाने के बाद मार 20 किस्म के पानी चढ़ाया, बच्चा मर गया। हाँ, उसके बाद बच्चा मर गया। बोला कि बच्चा खत्म हो गया, अब तुम्हारे पास पत्नी को बचा। बोला चलो ठीक है पत्नी को बचा दो, तब वो पत्नी को बचा नहीं पाया। बोला जल्दी गांठ से कर, जल्दी लेके भागो यहाँ से। उसके बाद ब्लड व्लड सब चढ़ा दिया, उसके बाद कहाँ चला गया? उसके बाद बंद करके भाग गया यहाँ से। जी डॉक्टर थे या कोई दूसरा आदमी इलाज कर रहा था? कौन कौन कर रहा था, पहचाने की कौन आदमी इलाज कर रहा था? हम आदमी को छीन जाएंगे सर, वो घर आ जाएगा तो हम दम धर लेंगे उसने। यहाँ पे लाए तो कोई डॉक्टर, महिला डॉक्टर या जेंट्स डॉक्टर कोई देखा कि नहीं देखा? महिला डॉक्टर खाली उसको बोला ना कि जल्दी जल्दी ब्लड चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। कोई महिला डॉक्टर थी या नहीं थी? वो एक नर्स थी, एक नर्स आई थी कहाँ से भगवान कैसे नर्स, एक लेडीज आई थी ढाली पानी चढ़ाने लगी। सदर अस्पताल में इलाज नहीं हुआ? नहीं सदर अस्पताल में इलाज। वहाँ से क्या बोला? वहाँ से बोले ना, तो वहाँ से बोले कि यहाँ पर इलाज कि अभी नहीं हो पाएगा, इसको लेकर जाइए। कहाँ लेके जाने के लिए बोला? बोला कि पीएमसीएच लेकर जाओ, रेफर कर दे रहे हैं। हाँ पहले वहीं से दलाल भेटा किया। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम है सतीश कुमार गुप्ता, घर आमी चौहानी पट्टी। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।